नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि आपको शाम के वक्त आपको मिलेगा टेक्निकल वीडियो और सुबह के वक्त जो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस हैं वो मिलने पाएंगे। तो चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किए बिना मत चैनल को छोड़िएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को कुछ देख लेते हैं। आज बताने वाला हूँ कि 25 एचपी की थ्री फेज मोटर का पावर फैक्टर कैसे निकाल सकते हो। तो पावर फैक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, तो पावर फैक्टर के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाया है जो आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। और आप चाहो तो जो चैनल का सिंबल है उसके ऊपर भी क्लिक करके मेन चैनल के वीडियोज़ पर जाके भी देख सकते हो। चलिए प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न है, एक 25 bhp थ्री फेज मोटर 420 वोल्ट पर 35 एम्पियर करंट लेता है, मोटर की एफिशिएंसी 87% यानी 87% हो तो पावर फैक्टर ज्ञात करिए या करो। तो पावर फैक्टर ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, एफिशिएंसी दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है, उसके बाद एम्पियर दिया गया है, उसके बाद इसका bhp यानी 25 ब्रिटिश हॉर्स पावर, यानी ब्रिटिश एक वन ब्रिटिश हॉर्स पावर बराबर होता क्या है, एक bhp बराबर आपका होता है 746 वाट। और अगर वही मीट्रिक हॉर्स पावर की बात करें तो एक मीट्रिक हॉर्स पावर में 735.5 वाट होता है। तो हम ब्रिटिश का लेना है तो इसलिए मैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमें आउटपुट जो दिया गया है वो 25 bhp का दिया गया है, यानी ब्रिटिश हॉर्स पावर का। तो 25 × 746 यहाँ पर किया गया है, जो कि आपका क्या है, आउटपुट मिलने वाला है इस मोटर से 746 वाट × 25 hp। तो इससे हमारा निकल के जो इसका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद इनपुट की बात करें तो इनपुट जो होता है वो √3 VL cos ∅ वाट में ये आता है, या फिर √3 IL VL cos ∅ वाट। देखिए VL यानी लाइन वोल्टेज, IL यानी लाइन करंट, और √3 जो स्टार हो कनेक्शन या डेल्टा हो कनेक्शन उसमें √3 जो होता है वो विद्यमान रहता है। तो इस तरीके से इनपुट आपका निकल जाएगा, इनपुट वाटेज निकल जाएगा। उसके बाद बात करें, अगर अब इसी इनपुट को अगर कैलकुलेशन विधि से आप करोगे तो √3 का मान होता है 1.732, उसके बाद × 35 जो कि करंट का मान है, और उसके बाद 420 वोल्ट जो VL का मान है, और उसके बाद cos ∅ हमें निकालना ही है जो कि वाट में ही है। उसके बाद बात करें अब अगले आउट जो आपका दक्षता होता है, यानी दक्षता बराबर क्या होता है, आपका दक्षता को नीटा से दिखाते हैं, नीटा बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट × 100। तो यहाँ पर × 100 करने पे आपका क्या निकल जाएगा, दक्षता निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दक्षता दिया गया है 87%, जिसे एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो 87 = 25 × 746 × 100 / 1.732 × 35 × 420 × cos ∅। यहाँ पर cos ∅ हमें निकालना है। यहाँ पर जो 25 है वो bhp ब्रिटिश हॉर्स पावर का मान है, और 746 एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं जो कि ब्रिटिश हॉर्स पावर में है, और आपका यहाँ पर जो 100 है वो एफिशिएंसी का गुणा करने के लिए, लास्ट में जो 100 है वो गुणा करने के लिए जो कि प्रतिशत में आता है। और उसके बाद √3 का मान 1.732, और उसके बाद 35 एम्पियर करंट और 420 वोल्ट और cos ∅ नीचे। तो यहाँ पर देखिए इनपुट का मान यहाँ नीचे दिया गया है और आउटपुट का मान यहाँ ऊपर दिया गया है। सारा कुछ जो आप देख रहे हो यही है आपके सामने। उसके बाद अब cos ∅ बराबर हो जाएगा 25, ये देखिए त्रियक गुणा यहाँ नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 × 746 × 100 / 1.732 जो कि √3 का मान है, × 35 × 420 × 87 जो कि एफिशिएंसी का मान है। तो इतना गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 1865 × 10⁵³ / 2215054.8 इतना आ जाएगा। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इससे डिवाइड करने के बाद आपका जो पावर फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.84, यानी ये क्या है, लैगिंग पे है, लैगिंग पावर फैक्टर आपका आ गया। जो आंसर आया है पावर फैक्टर वो 0.84 आया है, और पावर फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता, यानी कोई मात्रक नहीं होता है। और पावर फैक्टर को मैं आपको बता दूं, पावर फैक्टर जो करंट और वोल्टेज के बीच जो कोण बनता है उसी कोज्या को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, उसी के मान को, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो भाइयों, और उसके बाद चैनल को जो वीडियो है उसको लाइक करिए ताकि हमें पता चले कि आपको पसंद आई वीडियो, और उसके बाद इसको आप चैनल को तो सब्सक्राइब आपने पहले ही कर दिया है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी रह गई, फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जो कि किसी न किसी के काम आ जाएगी, आपसे ये विनम्र निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और आने वाली टेक्निकल वीडियो जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी होगी उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाएं ताकि वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलता रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारी टेक्निकल जानकारी मिल जाती हैं आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।